हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दिस वीडियो इज अ रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियो ऑफ द मूवी ट्रेलर एंड मूवी नेम इज एम्बेसडर। पहले हम देखेंगे इस मूवी का ट्रेलर और उसके मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम इस मूवी का ट्रेलर और उसके मेरा रिएक्शन। ಪ್ರತಿ ರಕ್ತದಿಂದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಪ್ರತಿ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತಲೂ ರಕ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಮಾಡಕ್ಕೂ ಯಾವನು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಕದರ್ ಯಾವೊಂದಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮಾತು ಕೂಡ ಯಾರೂ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲ್ಲ। ಗುರ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಟಲ್ಲಿ। ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯೋರಿಗೆ ಪಂಚಿಂಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಇನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಡೆಯೋ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್। ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗುಂಡಿಗೆನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಬೇಡ। ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ। ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಡಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಲೇಬೇಕು, ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬರ್ಲೇಬೇಕು। ಒಂಥರ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೈಕೋತೀರ, ಬರದೆ ಇದ್ರೆ ಬೈಕೋತೀರ, ಒಟ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಳ್ಕೋತೀರ। ಧೂಳೆತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿನೇ ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸುನಾಮಿನೇ। ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೆಣ್ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ಸೂಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀಟ ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು। ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳೇ ನನ್ನ ಹೀರೋಗಳು। ಎಂಟ್ರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಯೋ ಸೈನಿಕರೇ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು। बेहतरीन, जबरदस्त, वेरी नाइस, ऑसम। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उसके मेरा रिएक्शन। अब हम बात करेंगे आपसे इसी मूवी के हवाले से। कनाडा लैंग्वेज मूवी है, ड्रामा और एक्शन से भरपूर है, फुल ऑन एक्शन इसमें ट्रेलर में दिखाया गया है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है अशोक कुमार सीवी ने, और इस मूवी की जो कास्ट में शामिल है वो है अशोक कुमार सीवी, दीप्ति कपसे और उनके साथ है संदीपा विर्क वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा दीगर कास्ट भी, लेकिन मैंने आपसे मेन कास्ट, खास कास्ट का जिक्र किया। अब हम बात करेंगे आपसे इस मूवी के ट्रेलर के हवाले से। काफ़ी नुमाया पहलू दिखाए गए मूवी के अंदर, ट्रेलर बहुत ही कमाल का था, बहुत सारे सीन, बहुत सारे पार्ट और बहुत सारा कुछ दिखाया गया ट्रेलर के अंदर। एक तरह से कह लें मूवी में काफ़ी कुछ है देखने लायक, क्योंकि ट्रेलर के अंदर इतना सब कुछ दिखाया गया जो कि बेतहाशा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग था। स्टंट थे, फाइटिंग के और एक्शन और कमाल का, बम बम ब्लास्ट हो रहे हैं और धमाके, और काफ़ी अच्छे अंदाज में बनाई गई और पेश की गई है। स्क्रीन प्ले, सैंड फोटोग्राफी और एक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से पिक्चराइज किया गया है। स्टंट और काफ़ी मज़ेदार किस्म के लग रहे थे, मैं भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा था। ट्रेलर काफ़ी दिलचस्प था और एक तरह से आप कह लें मूवी के काफ़ी नुमाया अच्छी अच्छी पहलू दिखाए गए जो कि काफ़ी अट्रैक्शन का बायस बन रहे थे। और एक तरह से आप कह लें काम बहुत बेहतरीन तरीके का किया, जब आप इसको देखेंगे तो आप भरपूर तरीके से इन्जॉय कर सकेंगे। जो लोग एक्शन से भरपूर मूवी देखना चाहते हैं तो उनको तो मतलब मेला लूट लेने वाला बात हो गई। बहुत ज़बरदस्त किस्म की तरीके से अच्छे तरीके से पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म
का इसमें एक्शन है और बहुत कुछ देखने लायक है, जो कि आप जब वो देखेंगे एक्शन के शौकीन लोग तो उनकी तवज्जो का भरपूर तरीके से मरकज बनी रहेगी और आप भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। एक्शन के अलावा ड्रामा स्टिक टाइप स्टोरी भी और काफ़ी मूवी में पहलू भी चेंज होंगे, अप्स एंड डाउन है, जो कि भरपूर तवज्जो हासिल कर सकेंगे। और जब आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। मूवी का ट्रेलर काफ़ी अच्छी लेंथी, काफ़ी कुछ उसमें दिखाया गया, वजाहत के साथ पेश किया गया, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लग रहा था। मैंने तो भरपूर तरीके से इंजॉय किया और एक चीज़ को काफ़ी गौर से और ध्यान से देखा, परफेक्ट था, मज़ा आ गया। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उसके मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय साझा कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में। हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।